प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अब दुनिया की सबसे अमीर T20 लीग IPL पर किसी भी समय फैसला लिया जा सकता है। BCCI ने IPL को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया था, इस उम्मीद में कि अगर हालात सुधरते हैं तो कोई उपयुक्त विंडो देखकर टूर्नामेंट को आयोजित किया जा सके। लेकिन लॉकडाउन के 3 मई तक बढ़ने से सभी संभावनाएं खत्म हो गई है। दरअसल आपको बता दें, IPL टूर्नामेंट पर कभी भी फैसला होने की संभावना है। टूर्नामेंट को रद्द भी किया जा सकता है। कोरोना की वजह से विंबलडन और ओलंपिक खेलों पर पहले ही ग्रहण लग चुका है। ऐसे में IPL का आयोजन कैसे हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। कोरोना वायरस के कारण भारत में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, जबकि इसमें 339 लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने IPL को लेकर बड़ा बयान दिया था। सौरभ गांगुली ने कहा था कि मौजूदा हालात में इस पर सोचा भी नहीं जा सकता। सौरभ गांगुली ने कहा, अभी जो हालात है उसमें IPL का आयोजन होना मुश्किल है। इस समय एयरपोर्ट बंद है, लोग घरों में फंसे हैं, दफ्तर बंद है, कोई भी कहीं नहीं जा सकता और ऐसा लग रहा है कि मई के मध्य तक ऐसा ही चलता रहेगा। गांगुली ने आगे कहा, जब पूरी दुनिया में सब कुछ बंद है तो खिलाड़ी कैसे आएंगे, और अगर खिलाड़ी नहीं आते तो फिर टूर्नामेंट का आयोजन कैसे कराना संभव हो पाएगा? आपको खिलाड़ी कहाँ से मिलेंगे, खिलाड़ी यात्रा कहाँ से करेंगे? ये तो बेहद साधारण कॉमन सेंस की बात है कि पूरी दुनिया में किसी भी तरह के खेल के पक्ष में इस वक्त कुछ भी नहीं है। IPL को तो भूल ही जाइए। गांगुली ने कहा, दुनिया भर में जब जीवन में ठहराव आया हुआ है तो खेल के लिए क्या भविष्य होगा? मई में भी IPL का आयोजन शायद नहीं होगा। IPL नहीं होने से BCCI और फ्रेंचाइजियों टीमों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। BCCI के सूत्र के मुताबिक IPL को रद्द करने पर 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। BCCI सभी हितधारकों के साथ मिलकर इसका हल ढूंढने की कोशिश करेगा। दूसरा विकल्प ये है, अगर ICC क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और T20 विश्व कप से जुड़े हितधारक तैयार हो तो उसकी जगह IPL आयोजित किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा मुश्किल ही नजर आ रहा है। बता दें कि भारत में PM मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के दौरान देशवासियों के धैर्य की सराहना के अलावा ये भी कहा कि हमारा ये प्रयास कोरोना को रोकने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। हालांकि लॉकडाउन में ढील की बजाय और सख्ती का संदेश PM मोदी ने दिया है। PM मोदी ने कहा कि अगले एक हफ्ते लॉकडाउन को और कठोरता से लागू करना है। PM मोदी ने कहा, अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बारीकी से परखा जाएगा। लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है इसका मूल्यांकन किया जाएगा। जो सफल होगा, जो हॉटस्पॉट नहीं पड़ने देंगे, तो वहाँ पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीज़ों में छूट की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति में शर्त होगी। लॉकडाउन के नियम जब अगर टूटते हैं तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। LD News।